क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, जैसा कि सबको मालूम हो गया है कि आज शाम 5 बजे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। सो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहला तो ये कि सभी का रिजल्ट अच्छा आने वाला है, जैसा कि CISE ने डिक्लेयर किया है। किसी का भी रिजल्ट ख़राब नहीं है। प्रीवियस 3 ईयर्स का अगर कंपेरिजन किया है तो 2019-20-21 से, तो सबका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और फेल होने वाले बच्चों की संख्या तो बिल्कुल जीरो है। ठीक है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट अभी तक नहीं है जो कि फेल हो रहा है। सिर्फ वही स्टूडेंट्स का मार्क्स ख़राब हुआ है या फेल हो रहे हैं जिन्होंने पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं किया था या फिर किसी एक सेमेस्टर में एब्सेंट हो गए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो बिल्कुल डरना नहीं है, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठो। और उसके बाद जो भी अगर रिजल्ट आता है, आपको कोई भी डाउट है अगर उसमें, तो आप ऑनलाइन जा कर के उस पर एक रीचेक भी करा सकते हो। इसके लिए आपको अपना स्कूल जो है वहाँ पर जाना है और पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज़ का एक चार्ज होगा। आप ऐसा करके अपना जो भी, इनकेस आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम हो गए हैं, तो आप आराम से जा करके रीचेक करा सकते हो। दूसरा ये कि कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि अगर उन्होंने, जैसा कि 11th क्लास की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो अगर कुछ रिजल्ट में ऐसा होता है कि इनकेस वो स्कूल चेंज करना चाह रहे हैं या दूसरे बोर्ड में जाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? अगर वो इसी सेम बोर्ड में रहते हैं, अगर वो अपना ISC में ही कंटिन्यू करेंगे 11th क्लास, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर उनको किसी दूसरे बोर्ड में जाना है, तो उसको दूसरे बोर्ड जैसे कि स्टेट बोर्ड या CBSE का जो है रिजल्ट, उसके लिए वेट करना होगा। मार्क्स कैलकुलेट करने का बात करें तो इसके लिए सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और जो इंटरनल आपको मार्क्स 20, ये सबको आप ऐड करेंगे तो आपका 100 में से जो मार्क्स आ रहा है वो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अभी फर्स्ट में कितना मार्क्स आया था वो आपको मालूम है, अभी इंटरनल इनकेस आपको मालूम चल गया था, तो आप सेकेंड सेमेस्टर के मार्क्स यहाँ से फाइंड कर सकते हो आपको कि किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आ रहा है।